मॉडर्न मॉडर्निटी को हम देख चुके हैं, लेकिन पोस्ट मॉडर्निटी के बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। पोस्ट मॉडर्निटी पे एक छोटा सा वो है, वो रिजेन से निकल गई थी बात, क्योंकि मॉडर्निटी के बाद छोटा सा सेक्शन पोस्ट मॉडर्निटी का भी होता है, वो उसकी मैंने अपलोड कर दी है, वो आप देख लीजिएगा। उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और एक स्लाइड शो है जो कि मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी का फ़र्क है, वो भी एक्सप्लेन किया हुआ है, और वो मैंने लेक्चर में भी अपलोड कर दिया है, बिल्कुल क्लियर उसके पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस उसके अंदर डाल दिया है। फिर उसके बाद हमने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को देखा, जिसमें सबसे पहले हमने फैमिली को देखा, फिर हमने काफ़ी बड़ा एक सेक्शन है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस का, वो हमने देखा, और उसके बाद फिर हमने मीडिया को एज एन इंस्टीट्यूशन देखा, ये चीज़ें जो हैं ये हमने की हैं इस कोर्स के अंदर अभी तक। हमारा आखिरी टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो जाहिर है कि हम यूरोपियन सोशियोलॉजी देख रहे हैं, देखते रहे हैं अभी तक। क्लासिकल सोशियोलॉजी भी यूरोपियन है, ये पहली क्लास में ही मैंने आपको बता दिया था कि इनमें एक चीज़ कॉमन ये है कि ये सारे यूरोपियन हैं, ठीक है। उसी क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि एक इस्लामिक सोशियोलॉजी भी है, जो कि बेसिकली जिसको क्रेडिट दिया जाता है इब्ने खलदून को, कि इब्ने खलदून ने वो सोशियोलॉजी ईजाद की है, ठीक है। लेकिन हम उसकी सोशियोलॉजी से हमें कुछ लेना देना इस कोर्स के अंदर नहीं है। जितनी भी यूरोपियन सोशियोलॉजी है उस सब के अंदर एक चीज़ में आके मसला आता है, और वो मसला किस चीज़ में आता है? मसला इस चीज़ में आता है कि सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शंस दिए हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या उसके फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या उसके अंदर डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, किस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं, किस तरह से आप इंस्टीट्यूशंस को देख सकते हैं। हर चीज़ बड़ी अच्छी तरह से यूरोपियन सोशियोलॉजी के अंदर मौजूद, मगर शॉर्टकमिंग उसकी ये है, प्रॉब्लम उसका ये है कि वो प्रॉब्लम तो बताता है लेकिन कहीं पे भी कोई सोल्यूशन नहीं है, कंक्लूजन कोई नहीं है। कि अगर मीडिया में ये प्रॉब्लम हो रही है तो एक तरफ आप मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, एक तरफ आप मॉडर्निस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, एक तरफ आप पोस्ट मॉडर्निस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, लेकिन एंड में आप ये नहीं बताते कि कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू सही है, यानी कि कोई कंक्लूजन नहीं है। डिस्कशन बहुत है, कंक्लूजन नहीं। वी वॉन्ट टू टेक दिस सब्जेक्ट टूवर्ड्स अ कंक्लूजन। हमारा जो इश्यू है वो ये है कि इसमें कुछ कंक्लूडिंग चीज़ें होनी चाहिए, जिसके अंदर ये हो कि भाई करना क्या है, क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए इन ऑर्डर टू बिल्ड अ गुड सोसाइटी, जिसपे कुछ एक्शन तो हो सके। तो इसके अंदर जो टॉपिक आज का है इस्लामिक सोशियोलॉजी, उसको हमने इसीलिए उठाया है क्योंकि इस्लामिक सोशियोलॉजी के अंदर और यूरोपियन सोशियोलॉजी में जो डिफरेंस है वो ये है कि इसके अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन्स हैं, और इन कंक्लूजन्स की बेसिस पर एक सोशल सिस्टम को इवॉल्व करना पॉसिबल है। और उसकी एक रीज़न ये भी है कि जितने भी लोग हैं, भले वो इस्लामिक वे ऑफ थिंकिंग के क्रिटिक्स ही क्यों ना हो, वो ना मानते हो बेशतर बातों को, लेकिन एक बात सब मानते हैं कि इस्लाम इज अ वेरी सोशली अलाइव रिलीजन, इट्स अ वेरी सोशली अलाइव सिस्टम। तो इसमें बहुत सारे कंक्लूजन और बहुत सारे क्लूज हैं टूवर्ड्स सेटिंग अप
हेल्दी सोसाइटी, और वो हम देखेंगे कि उसमें कुछ कुछ कंक्लूजन्स जो हैं वो क्या हैं वो हम देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा उसमें बैकग्राउंड हम देखेंगे कि ये इस्लामिक सोशियोलॉजी जो आज की है, यहाँ तक हम पहुँचे किस तरह, ये किस तरह से ये सब्जेक्ट, ये एक लिहाज से पूरा सब्जेक्ट है जो अभी इवॉल्व हो रहा है, लेकिन ये अभी जात जितना इवॉल्व हो चुका है तो यहाँ तक ये पहुँचा किस तरह से। तो जब आप इस्लामिक सोशियोलॉजी की पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो जब पाकिस्तान बना था तो उसी ज़माने में ये सोचा जा रहा था कि पाकिस्तानी सोसाइटी को किस तरह से पैटर्न किया जाएगा और किस तरह से उसको उसका कंस्ट्रक्शन होगा, सोशल कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। हमारे पास ना उस जमाने में और ना आज कोई बहुत ज्यादा थिंकर्स नहीं थे, ना उस जमाने में थिंकर थे ना, लेकिन बहरहाल जो फाउंडिंग फादर्स थे उनसे हमने कुछ क्लूज लिए और उन्होंने कुछ क्लूज दिए कि वो सोसाइटी को किस तरह से देखना चाहते हैं। तो अब ये क्लूज भी बहुत एंड में आने शुरू हुए, यानी 1947 में पाकिस्तान बना तो 48 में, और 48 में भी 1 जुलाई 1948 को जब स्टेट बैंक बना, स्टेट बैंक का इनॉग्रेशन हुआ, तो वहाँ पर जो पहली जो तकरीर जिसके अंदर ये इस्लामिक सोशल सिस्टम का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया, वो कायदे आज़म ने दिया। उन्होंने कहा कि हम एक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी चाहते हैं जिसके अंदर दो चीज़ें हो, एक इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हो, दूसरा सोशल जस्टिस हो। यानी ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि सोशल सिस्टम जो हम बनाएंगे वो सोशल जस्टिस, अदल और इंसाफ, इसकी बेसिस पर हम एक सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कायदे आजम के पास टाइम नहीं था अपनी इस विजन को पूरा करने के लिए, उनके पास टाइम नहीं था, उनकी सेहत जाहिर है इसकी इजाज़त नहीं दे रही थी, और फिर उनकी जो डेथ है वो फौरन ही इसके बाद हो गई। फिर ये बात काफ़ी अरसे तक डिस्कस नहीं हुई, एक लिहाज से आई गई हो गई कि क्या होना चाहिए, किस तरह से आप कंस्ट्रक्ट करें। 1970s के अंदर सारी दुनिया में सोसाइटीज पे काम हो रहा था, सोसाइटीज़ को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, क्योंकि कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म और सोशलिज्म, ये तीनों जो मिलते जुलते कॉन्सेप्ट, इनकी बेसिस पे सोसाइटीज दुनिया में डिवेलप हो रही थी, रिकंस्ट्रक्ट हो रही थी। तो उसी ज़माने में फिर जो मुस्लिम्स थे उन्होंने भी एक अपनी आइडियोलॉजी पेश करने की कोशिश की। पाकिस्तान के अंदर दिस आइडियोलॉजी वॉज प्रेजेंटेड बाय भुट्टो, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था इस्लामिक सोशलिज्म, यानी उसके अंदर वो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट और इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी दोनों को मिला के एक सिस्टम बनाने की कोशिश की गई। मगर ये 1974-75 की बात है, 1977 में भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई, तो वंस अगेन वही इशू आ गया कि उस चीज़ को थ्योरेटिकल तो उसका कॉन्सेप्ट मौजूद था लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का बहुत ज़्यादा टाइम इनको भी नहीं मिला। ठीक है, बहरहाल फिर ये जो है, फिर हम वेस्टर्न सोशल सिस्टम के ऊपर जाना शुरू हो गए। फिर बीच में 1980s में इस्लामाइजेशन का दौर आया, तो उसके अंदर पॉलिटिकली तो इस्लामाइजेशन हुआ लेकिन सोशल लेवल पे कोई ऐसा, सोसाइटी के लेवल पे कोई ऐसा चेंजेस नज़र नहीं आए जिससे आप ये कहें कि इस्लाम की बेसिस पे या इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स की बेसिस पे सोसाइटी को चलाने की कोशिश की। 21st सेंचुरी के अंदर दोबारा से अरब कंट्रीज ने, पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं हुआ है लेकिन अरब कंट्रीज ने और ईरान ने और वेस्टर्न सोसाइटीज में भी, यूरोप में भी दोबारा से इस्लामिक सोशियोलॉजी को एक लिहाज से स्टडी दोबारा से किया जाने लगा, क्योंकि जाहिर है 21st सेंचुरी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस वर्ल्ड वाइड लोगों को फेस हो रहे हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब है,
लोगों की जो दुनिया में आप देखें वर्ल्ड वाइड पिछले 10 साल के अंदर, खासकर पिछले 10 साल के अंदर अगर आप देखें तो दुनिया में वर्ल्ड वाइड करप्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आया है। करप्शन में इंक्रीज आने का मतलब ये है कि अगेन कोई सोशल मसला है, कोई मसला है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो राइट और रॉन्ग में, उनका जो वैल्यूज़ हैं उसमें राइट एंड रॉन्ग उसका सेंस नहीं बना पा रहे लोग। तो एक बार फिर 21st सेंचुरी के अंदर इन कॉन्सेप्ट्स को, जो इस्लामिक सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, इसको दोबारा से टिकअप किया गया, इसको दोबारा से स्टडी करने की कोशिश की गई। और फिर ये एक नया सब्जेक्ट, अगेन हमारे मुल्क में तो नहीं है, मैंने अब पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा, लेकिन दूसरे मुल्कों में, दूसरे मुस्लिम कंट्रीज में ये इस्लामिक सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट मौजूद है और एज अ सब्जेक्ट भी इसको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है जी। अब इसके कुछ मेन फीचर्स हैं, जैसा मैंने कहा कि हम इब्ने खलदून की राइटिंग से कोई चीज़ ड्रॉ नहीं करेंगे। इब्ने खलदून की या दूसरे जो सोशियोलॉजिस्ट, अरब सोशियोलॉजिस्ट थे 1400s में, 1300s में, वो बहुत ज़्यादा फिलॉसफी से उन्होंने चीज़ें बोरो की हुई हैं। तो अगेन फिलॉसफी के अंदर डिस्कशन बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन कंक्लूजन पे फिर आप नहीं पहुंचते अगर आप सोशियोलॉजी में जा रहे हैं। तो हम इसकी जो सोर्स लेते हैं वो बुक लेते हैं, यानी जो इस्लाम की होली बुक है, एक ही है, कुरान है, उसी में से उसमें क्या रूल्स दिए हुए हैं, क्या कंक्लूजन दिए हुए हैं ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, कोशिश की जा रही। और इस पे कॉन्फ्रेंसेस जो हैं, ये आपको सुन के हैरानी होगी, इस पे सबसे ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस नॉर्थ अमेरिका में, इंग्लैंड में और जर्मनी में हुई हैं कि क्या कंक्लूजन्स हैं कुरान के अंदर रिगार्डिंग हाउ टू शेप सोसाइटी एंड हाउ टू रन द सोसाइटी एंड हाउ टू मेक द सोसाइटी। तो ये हम डायरेक्ट फ्रॉम सोर्स ही उसको देख रहे हैं, उसमें कोई भी फिलॉसफी या किसी थिंकर की को तो कोई इशू ही नहीं है, हम डाल ही नहीं रहे किसी थिंकर। ठीक है जी। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि इस्लामिक सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटी हमेशा कंस्ट्रक्ट होती है बॉटम अप। ठीक है, वो जो कायदे आजम ने कहा था सोशल जस्टिस वाली बात, वो बिल्कुल ठीक है। सोशल जस्टिस जो है वो ट्रू इस्लाम, उन्होंने कहा था ट्रू इस्लामिक कॉन्सेप्ट सोशल जस्टिस ही है, ये बात सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन जो इसके लिए शर्त है वो ये है कि सोसाइटी विल बी कंस्ट्रक्टेड बॉटम अप। बॉटम अप का मतलब ये है कि फ्रॉम द इंडिविजुअल, यानी इसमें जो भी चीजें होंगी, अगर आप जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप वैल्यूज की बात कर रहे हैं, आप राइट रॉन्ग की बात कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल्स को पहले प्रैक्टिस करना होगा। तो इंडिविजुअल जो है वो सबसे पहले है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज आगे जाती है। इसमें ना कोई माइक्रो सोशियोलॉजी है, ना कोई मैक्रो सोशियोलॉजी है, ना हम ये कहते हैं इंडिविजुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना हम ये कहते हैं इंस्टीट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट, सोसाइटी एज अ होल इंपॉर्टेंट है। उसमें इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों को अलग नहीं करता इस्लाम। यूरोपियन थिंकर्स जो हैं, बाज जो वो हमेशा ही इंस्टीट्यूशंस को अलग करते हैं, इंडिविजुअल को अलग करते हैं। बाज कहते हैं इंस्टीट्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाज कहते हैं इंडिविजुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ पार्ट ऑफ अ होल है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर इंडिविजुअल अच्छा नहीं होगा तो फिर इंस्टीट्यूशन कैसे अच्छा बनेगा? अगर एक आदमी ही अच्छा नहीं होगा तो घर कैसे अच्छा बनेगा? तो ये इसका मेन चीज है। इसमें कोई सेपरेशन नहीं है, इसके अंदर ये नहीं है कि इंडिविजुअल अलग है, इंस्टीट्यूशन अलग है। वो जो इंडिविजुअल के काम होते हैं वही इंस्टीट्यूशंस करते हैं, वही इंस्टीट्यूशन में आपको नजर आते हैं, आसमान से कोई नहीं उतरता। ये इस्लाम का बेसिक प्रेमिस है, इस्लामिक सोशियोलॉजी का बेसिक प्रेमिस यही है कि इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है और इंस्टीट्यूशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इंस्टीट्यूशन बॉटम अप क्रिएट होंगे, यानी इंडिविजुअल्स ऐड होते जाएंगे और इंस्टीट्यूशन बनते चले जाएंगे। अब अगर इंडिविजुअल अच्छे हैं तो इंस्टीट्यूशन भी अच्छे बनेंगे, और अगर इंडिविजुअल बुरे हैं तो इंस्टीट्यूशन भी अच्छे बुरे बनेंगे। ठीक है, अभी तक कोई बात किसी को समझ में ना आई हो, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई क्वेश्चन आप लोगों के जहन में?
ओके, अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर ये मैंने आपको बता दिया कि अगर जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी आप ले रहे हैं तो जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट्स फ्रॉम द इंडिविजुअल, देन इट राइजेस टू द फैमिली, देन इट राइजेस टू द मीडिया, देन इट राइजेस टू द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, देन इट राइजेस टू द गवर्नमेंट। ठीक है जी, वही इंडिविजुअल्स ये सारे इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। तो उसके लिए आप रोना ना रोइए कि हम तो बड़े अच्छे हैं और फला बड़े खराब हैं, इंस्टीट्यूशंस बड़े खराब हैं। नहीं, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। इस पूरे वे ऑफ थिंकिंग को ही हम रिजेक्ट कर देते हैं। हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे आप होंगे वैसे ही आप पर होंगे। आप चाहते हैं आप पे अच्छे आए, आप अच्छे हो जाएं, और अगर आप अच्छे नहीं हो सकते तो रोना नहीं रोइए कि आप पे बुरे हैं। ठीक है जी, तो ये बिकॉज यहां पे इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन में कोई फर्क नहीं है, ये एक ही चीज है, सोसाइटी एक ही। द इस्लामिक सोशल सिस्टम इज बिल्ट ऑन इस्लामिक मोरालिटी। अब मोरालिटी, वैल्यूज, ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो मोरालिटी के बारे में हमने ये कहा था कि मोरालिटी की जब हम बात करते हैं तो मोरालिटी इज आवर सेंस ऑफ गुड एंड बैड एंड राइट एंड रॉन्ग। ये चीज हमने कही थी। बिलीफ क्या चीज होती है? बिलीफ होती है वो चीज जो आई होल्ड टू बी ट्रू। जरूरी नहीं है कि वो ट्रू हो, लेकिन आई बिलीव दैट इट्स ट्रू। वैल्यू क्या होती है? वो चीज जो आपको फायदा देगी, वो काम जो आपको फायदा देगा वो आपकी वैल्यू है। मोरालिटी का फायदे से कोई ताल्लुक नहीं है। मोरालिटी जो होती है वो होती है सही और गलत, बस सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। झूठ बोलना बुरी बात है, सच बोलना अच्छी बात है। सिचुएशंस हम अकाउंट में नहीं लेते। ठीक है, जो इस्लामिक मोरालिटी है उसमें और दुनिया की सारी दूसरी मोरालिटीज में एक मेजर फर्क है, एक मेजर डिफरेंस। ठीक है, फर्क क्या है? फर्क यह है कि इस्लामिक मोरालिटी इन्फोर्सेबल मोरालिटी है। मोरालिटी कहीं पर भी, दुनिया के किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, किसी भी सोसाइटी में आप चले जाएं, आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि जी आप सेल्फिश हैं तो बड़ा गलत है। वो कहेगा आई हैव अ राइट टू बी सेल्फिश। ठीक है ना, सेल्फिशनेस पे कोई सजा नहीं। तो जो मोरालिटी होती है वो ये कहती है इंसान को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सेल्फलेस होना चाहिए, लेकिन इसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। इसको आप कैसे किसी के ऊपर जबरदस्ती करेंगे कि भाई तुम ऐसे बनो, तुम्हारे अंदर जेनरोसिटी होनी चाहिए। नहीं, अगर एक आदमी में जेनरोसिटी नहीं है तो नहीं है, और उसको सजा नहीं दी जा सकती उसको। ठीक है, इस्लामिक मोरालिटी जो है वो इंसान को सीखनी पड़ती है और वो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मुस्लिम होने की शरायत में से ये भी एक शर्त, ठीक है, क्योंकि 1/3 ऑफ द कुरान जो है वो कुछ नहीं है, मोरालिटी है, और वो चूंकि अल्लाह की तरफ से रिवील्ड है इसलिए वो ऑप्शनल नहीं है। इस्लाम का बेसिक इथॉस क्या है कि किताब खुदा की तरफ से आई है, तो फिर वो ऑप्शनल नहीं है, वो फिर आपने करना ही करना है। तो जो सोशल सिस्टम है दैट इज बिल्ट ऑन द मॉरल सिस्टम, यानी कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। अब दूसरे मुल्कों में क्या है कि सोशल सिस्टम जो है वो आपके लॉस पे बेस्ड होता है, हमारे यहां भी लॉस पे बेस्ड होता है, लेकिन मोरालिटी उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मोरालिटी से ही आपकी वैल्यूज आती हैं। जो आपकी वैल्यूज होंगी, क्या चीज सोसाइटी में होनी चाहिए क्या चीज नहीं होनी चाहिए, वो इन्हीं मॉरल्स से आती है, इन्हीं मॉरल टीचिंग से आती है। ठीक है जी, तो ये इसका मतलब इस्लामिक सोशल सिस्टम का जो बेसिस है वो इस्लाम की मोरालिटी है, ये इसका कंक्लूजन। ठीक है जी, तो इस पे कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें बताई गई हैं, क्या क्या चीजें जो है वो इनफोर्सेबल हैं, जो इस्लामिक सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए, जो लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि वो अपने ऊपर इन्फोर्स करें।
ठीक है। तो इसके अंदर पहली चीज जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्फन्स, ठीक, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्फन्स, ये सूरह फजर है, इसकी ये चार आयतें हैं। इसके अंदर जो स्ट्रेस चीजें की गई, यानी बहुत सी बातें इंसान के बारे में की गई हैं और कहा गया है कि इंसान जो है वो हमसे शिकायत करता है, जब इंसान के पास चीजें होती हैं तो वो कहता है कि बड़ा खुश हो जाता है, कहता है अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दिया है, लेकिन जब वो चीज़ उसके पास से चली जाती है तो फिर वो नाशुक्री करने लगता है, तो और कहता है कि मुझे इस तरह से क्यों आने, अक्सर इंसान कहता है ना मैं ही रह गया था, मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों। तो उसका जवाब इन चार आयतों में तो अल्लाह क्या कह रहा है, नहीं हमने तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं किया है, जब हमने तुम्हें दिया था, जब हमने तुम्हें चीजें दी थी, जब हमने तुम्हारे हाथ में दौलत दी थी, जब हमने तुम्हारे हाथ में प्रोविजंस दिए थे, उस वक्त डिड यू शो एनी काइंडनेस टू ऑर्फन्स, तुम ऑर्फन्स को अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते और ना तुम भूखे लोगों को खाना खिलाते हो, ये दो चीजें, यानी कि द सोशल सिस्टम ऑफ इस्लाम जो इस्लाम देखना चाहता है वो ऐसी सोसाइटी देखना चाहता है जिसके अंदर ये दो चीजें ना हो, ऑर्फन्स शुड नॉट बी मिसट्रीटेड एंड पीपल शुड नॉट गो हंग्री, ठीक है, मिस्कीन होता है जो खाना अफोर्ड नहीं कर सके। तो ये दो चीजें जिस सोसाइटी में आम हो जाएं तो ऐसी सोसाइटी को फिर पसंद नहीं किया जाता, ठीक है जी। और तीसरी चीज क्या है, यू हैव इंटेंस लव फॉर वेल्थ, सो वेन यू टेक द वेल्थ, लेकिन तुम ये दो काम नहीं करते उस वेल्थ, यू डोंट लुक आफ्टर द ऑर्फन्स, यू डोंट फीड द पुअर। तो पहली चीज जो आपको नजर आएगी इस्लामिक सोशियोलॉजी के अंदर वो ये है कि केयर फॉर द ऑर्फन्स एंड केयर फॉर द नीडी, ये दो चीजें इसके अंदर ऐसी सोसाइटी में होंगी। इसी तरह फिर एक और सूरह है, सूरह दुहा, बिल्कुल अर्ली रेवलेशंस में से एक है, इसके अंदर भी ये दो ऑर्डर्स, यही दो ऑर्डर्स इसी तरह से लिखे हुए हैं, डू नॉट ऑप्रेस द ऑर्फन, डू नॉट रिपल्स द बेगर। अगर कोई भीख मांगने के लिए आया है तो उसने गलत किया है कि उसने किसी इंसान के सामने हाथ फैला दिया, लेकिन हर जगह यही है कि आप उसको धुतकार के, उस पर चीख के उसको दूर नहीं कर सकते, ठीक है जी। और अगर मतलब अगर आपके पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है तो भी उसको हटाने का तरीका बताया गया, अगर तुम्हारे पास नहीं है, यू लैक द मीन्स, बट एटलीस्ट गिव हिम अ काइंड वर्ड, ठीक है। मेरे पास पैसा नहीं है किसी को देने के लिए, किसी ने मुझसे पैसा मांगा, किसी ने मुझसे चीज मांगा, मेरे पास उस वक्त नहीं है, तो भी आप उसको धुतकार के नहीं हटा सकते। और उस वक्त इंसान को बड़ा गुस्सा आता है जब उसकी जेब में खुद कुछ ना हो और सामने वाला मांगने खड़ा हो जाए, फिर तो बहुत ही गुस्सा आता है। तो द सोसाइटी, अब ये चीजें बहुत ही इतनी सिंपल हैं, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इतनी कॉमन प्लेस है कि ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, सोशियोलॉजी क्या, किसी एथिक्स की किताब में भी कहीं पर भी ये लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा कि जी किसी से अच्छी तरह से बात कर लो बस। लेकिन इसकी बेतहाशा अहमियत है इस्लामिक सोशियोलॉजी के अंदर, लोग एक दूसरे से किस तरह से बात कर रहे हैं। और अब इस जमाने में आके एक चीज बनाई जाती है जिसको कहते हैं हैप्पी इंडेक्स, ये सोशियोलॉजिस्ट बनाते हैं हैप्पी इंडेक्स। हैप्पी इंडेक्स में ये देखा जाता है कि किस शहर के लोग कितने पोलाइट हैं, तो वो उससे देखा जाता है कि वो सोसाइटी कितनी अच्छी है, यानी वहां के पहली चीज ये वहां के लोग कितने पोलाइट हैं, एक दूसरे से किस तरह से बातचीत करते हैं। तो ये बहुत ही इनडेप्थ, बहुत ही बजाहिर, बहुत ही छोटी सी चीज है, मगर ये छोटी चीज नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत।
क्योंकि इसको कई जगहों पर लिखा गया है, कई जगहों पे इसका रिवेलेशन है कि पहले तो आपने किसी को धुतकारना नहीं है, दूसरा अगर आपने किसी को कुछ कहना भी है तो यू हैव टू यूज काइंड वर्ड्स। तीसरी चीज जो, अब देखिए ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, यही इसी पर डिस्कशन चले जा रहा है, किसी को देना और किस तरह से उसको देना, उसके भी क्या तरीके हैं, क्या उसके आदाब हैं, क्या उसके एथिक्स हैं, वो सब बताया गया। अब अगर एक तो सिचुएशन ये है कि कोई आपसे मांग रहा है, आपके पास नहीं है, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू से अ काइंड वर्ड टू हिम एंड देन मूव ऑन। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये है कि आपने किसी को कुछ दे दिया, आपने किसी को कुछ दिया, तो अब उस देने के बाद किसी को फिर आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम किसी को कुछ दे देते हैं तो हम समझते हैं कि अब उसके ऊपर जिम्मेदारी, नहीं, यहां बात ये नहीं हो रही, यहां बात ये हो रही है कि जब आपने किसी को कुछ दिया तो अब ज्यादा जिम्मेदारी आप ही के ऊपर। क्या जिम्मेदारी है कि यू आर नॉट सपोज टू से एनीथिंग टू द पर्सन टू हुम यू हैव गिवन एनीथिंग दैट माइट हर्ट हिम। अक्सर लोग जब किसी को कुछ दे देते हैं तो उसके बाद फिर जताते बहुत हैं, उसके बाद फिर वो रिटर्न में बहुत कुछ चाहते हैं, उसके बाद फिर वो उसको अपना नौकर समझना शुरू कर देते हैं, हाई हैंडेड बातें करना शुरू कर देते हैं। ये सब चीजें जो हैं सख्त मना है, ठीक है जी, बिकॉज सोसाइटी विल ओनली डेवलप वेल इफ द इंडिविजुअल डेवलप्स वेल। सो इस ये इंडिविजुअल को बताया जा रहा है कि अच्छा आपने अच्छा किया, लोगों को दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब आपने केयर करनी है कि देने के बाद आप उससे कोई ऐसी बात ना कहें कि ऐसा लगे कि आपने जो दिया है आप उसको जता रहे हैं। और अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं और देने के बाद उसको हर्ट कर रहे हैं तो उससे बेहतर यह है कि कुछ ना दो, जस्ट गिव हिम अ ग्रेसफुल वर्ड। यानी लव्स की अहमियत यहां पे आप देखिए, बातचीत की अहमियत, किस तरह से आप किसी से बात कर रहे हैं, इसकी अहमियत किसी को कुछ देने से ज्यादा है। किसी की मदद करने से बेहतर है कि उससे एक अच्छा लव्स बोला जाए, उससे अच्छी बात कही। ग्रेसफुल वर्ड्स एंड फॉरगिविंग, इट्स बेटर देन चैरिटी। ठीक है, पैसे किसी को देने से, हालांकि हर जगह यही कहा गया है कि नमाज पढ़ो जकात दो, नमाज पढ़ो जकात दो, लेकिन अच्छे अल्फाज, मीठी जबान बोलना, ये उससे बेहतर है। ठीक है, सो अगेन इफ यू गो बैक टू अ मुस्लिम सोसाइटी, पीपल विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय गुड इंटरेक्शन विद वन अनदर, हर्टफुल वर्ड्स नहीं होंगे उनके, बुरी जबान नहीं होगी उनकी, गाली गलोच नहीं होगा उनकी, उसमें तंज नहीं होंगे, दे विल यूज ग्रेसफुल वर्ड्स। ग्रेसफुल वर्ड्स सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स, अच्छे अच्छे अल्फाज, जिससे दूसरे को सुन के अच्छा लगे, ग्रेसफुल वर्ड्स। सो ये इस तरह से इंडिविजुअल्स अपनी तरबियत करेंगे, दिस इज वॉट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। फिर एक और चीज होती है, बड़ी नॉर्मल सी चीज। अब ये सारी बातें बड़ी किसी, मैं कह रहा हूं ना, ये बातें किसी किताब में नहीं है, और ये हम इतने आराम से ये सारे काम करते हैं, हम सोचते ही नहीं है कि ये चीजें कहां तक इनका इंपैक्ट जाता है। आप सोच नहीं सकते कि कहां तक इसका इंपैक्ट जाता है। आप कभी, आपको चोट लग जाए, चोट क्या लग जाए, हाथ जल जाए, यानी जलने से ज्यादा तकलीफ इंसान को किसी चीज में नहीं होती। यानी अगर इंसान जल जाए और जलने के बाद उसका हाथ जलने के बाद ठीक हो जाए, और मैं 10 साल के बाद पूछूं कि भाई वो जो तुम जले थे, जरा उसके बारे में सोचो, क्या हाथ में दोबारा वही जलने वाली तकलीफ हो रही है, तो वो कहेगा जलने में तकलीफ तो बहुत होती है, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं हो रही क्योंकि अब वो हाथ मेरा ठीक हो गया है। लेकिन जब आप किसी को अल्फाज की मार मारते हैं, कोई आपसे कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल करे, जब सोचेंगे जिंदगी में,
उतनी ही तकलीफ होगी, क्योंकि इज्जत हर इंसान चाहता है। वो माशरा जिसमें इंसानों की बेइज्जती की जाए वहां पे हमेशा अनइजीनेस रहती है, एंड दिस इज द सोसाइटी दैट वी वांट टू कंस्ट्रक्ट। ऑब्जेक्टिव है अ सोसाइटी इन विच देयर इज नो अनईज, कॉन्स्टर्नेशन नहीं, परेशानी नहीं, सुकून जिस हद तक हो सके। हम एक ऐसी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट, ये आउटकम है, ये सोसाइटी का आउटकम, जस्टिस भी नहीं है सोसाइटी का आउटकम। सोसाइटी का आउटकम है इंसान सुकून से रहे। अब अगर आपने किसी को बुरे अल्फाज कहे हैं, आपने थोड़ी देर के लिए सही उसका सुकून ले लिया, और ये हर लेवल पर होता है, ये जो बातें हैं ये हर लेवल पर है। इसमें ना मर्द औरत की कैद होती है, इसमें ना पढ़े लिखे जाहिल की कैद होती है, इसमें ना बच्चे बड़े की कैद होती है, ये सब लोग करते हैं और हर किसी को उतनी तकलीफ होती है। ये सब बकवास बातें हैं कि जी वो सेंसिटिव है और वो सेंसिटिव नहीं है। नहीं, चार आदमियों के बीच में खड़े होकर किसी की बेइज्जती करो, सबको अपनी बेइज्जती वैसी महसूस होती है, और सब करते हैं, सबको मजे आते हैं, एक दूसरे पे हंसना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना। ठीक है, मैं कह रहा हूं ना, ये चीज आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी जो ये बातें जो हैं, और ना ये कोई टीचर आपको बताएगा, और आपको ट्रेन भी किया जाएगा इन्हीं सब चीजों में। आगे जब आप जाएंगे ऑफिस में वहां पे, तो वहां ये सब चीजें नहीं है, वहां ये सब चीजें नहीं है। वहां पे जिसके मुंह में जो आएगा वो बोलेगा, लेकिन उसका नतीजा क्या है? ऑफिस के अंदर भी कॉन्स्टेंट अनइजीनेस होती है। एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स। दूसरे की बदतमीजी से बचाने के लिए इंसान पहले से ही बदतमीज होना शुरू हो जाता है। तो यहां पर फिर बैक बाइटिंग आम है। इसको कहते हैं गॉसिप, इसको कहते हैं चैट। ठीक है जी, मैं आपसे कह रहा हूं ना, ये जो चीजें आप इस वक्त देख रहे हैं ये किसी की फिलॉसफी नहीं है, ये अल्लाह के हुक्म है। अगर आप अल्लाह के हुक्म पे 30 रोजे रखते हैं, गर्मी के अंदर अपने आप को से दूर रखते हैं, तो भाई ये छोटी हरकतें करके अपने आप को क्यों जाया कर रहे हो? ये सूरह हमजा है, इसके अंदर कहते हैं रुइनस फॉर एवरी बैक बाइटर। बैक बाइटर के लिए, वो जो दूसरे का ऐप ढूंढ के दूसरे को बताए, या जो दूसरे की हंसी उड़ाए, जो दूसरे पे हंसे, रुइनस फॉर हिम। और करूंगा मैं क्या उसके साथ, ही विल बी टॉस्ड इनटू द क्रशर, उठा के फेंकूंगा उसको क्रशर के अंदर। क्रशर क्या है? एक दीवार है जिसके दोनों तरफ आग है, उन दोनों आग के बीच में मैं डाल के इस इंसान को बंद कर दूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आयत। जुर्म क्या है उसका? दो जुर्म है, बैकबाइटिंग करता है और दूसरे पे हंसता है। तो भाई मुझे बताओ, कातिल की सजा में और इसकी सजा में फर्क क्या हुआ? एक इंसान को आप उठा के आग की दीवार के अंदर डाल के हमेशा के लिए बंद कर, जुर्म क्या था उसका? वो दूसरों की बैकबाइटिंग करता था, दूसरों पे हंसता था। तो कातिल में और इसमें क्या फर्क है? उसकी सजा भी वही, उसकी सजा भी वही। लेकिन कातिल को चूंकि पुलिस पकड़ती है, इस वजह से हम समझते हैं वो बहुत बड़ा जुर्म है। इन हरकतों पे बॉस शाबाश देता है, हम समझते हैं ये बहुत अच्छी चीज, क्योंकि मसला वैल्यूज का है। इंसान वो काम करता है जिससे उसको फायदा हो। कत्ल ना करने में फायदा है तो इंसान कत्ल नहीं करता, दूसरे का मजाक 10 लोगों के सामने उड़ाने में फायदा है तो वो करता है। तो अल्लाह कहता है नहीं, दोनों की सजा एक है, बहुत बुरी हशर करूंगा तुम्हारा। रुइनस फॉर एवरी बैक बाइटर, एवरी, एवरी का मतलब एक को भी नहीं छोड़ूंगा। जुर्म आपके सिर्फ दो हैं, बैक बाइटिंग एंड लाफिंग एट अदर्स। ठीक है जी, उसके बाद फिर एक और
जगह पर है। ये तो खैर आप लोगों को पता ही होगा, और बहुत से मतलब इसमें वो हैं फ्रॉड करने वाले लोग, जो लोग धोखे से कम बेच दें, जो खुद खरीदें तो फिर तो सही खरीदें, लेकिन दूसरे को बेचें तो उसको कम देते हैं, ये क्वालिटी उसकी खराब कर देते हैं चीज। नहीं, मैं मेरा मोबाइल खराब हो गया था, तो सदर में मेरा दोस्त रहता था, वहां मैं गया उसके पास एक रोज, मैंने कहा भाई जरा चलो मेरे साथ, ये पीछे उस जमाने में ये कोविड का मसला नहीं था, तो मैंने कहा ये चलो वो क्या नाम है जो मोबाइल मार्केट जो है यहाँ पे, ये रीगल वाली मार्केट जो है, तो जरा चलो वहां चल के दिखा देते हैं। मतलब पागल हो गए हो, वहां लेके जाओगे वो सही पार्ट्स भी होंगे तो वो निकाल के खराब कर देंगे, यानी जहां की वो करेंगे या नहीं करेंगे वो इशू नहीं है, लेकिन जहां मार्केटों में ये चीज आम हो जाए, अब अनइजीनेस पैदा हो रही है मेरे अंदर कि यार चीज खराब हो गई, मैं इसको सही भी नहीं करा सकता, यानी कि अगर मैं किसी के पास सही कराने के लिए जाऊंगा तो वो मेरे सही जो पार्ट्स हैं मोबाइल के वही निकाल लेगा। ये जो डर है, वो निकाले ना निकाले वो बात की बात है, लेकिन ये जो डर इंसान के दिल में है कि मैं चीज किसी को सही करने के लिए दूंगा वो और खराब करके देगा, ये फ्रॉड करने वालों ने पैदा किया है। इसकी वजह से सोसाइटी में अनइजीनेस पैदा हो गई, रुइनस फॉर देम, अब तबाही उनके लिए जिन्होंने ये जो ये हरकतें करते हैं। क्योंकि होता क्या है, गलत काम एक आदमी करता है, पीछे बहुत से जो है वो उसकी वजह से परेशान हो जाते। तो ये ना करें, गिव इनकम्प्लीट मेजर, सही तौलें, सही दें, सही क्वांटिटी दें, सही क्वालिटी दें, ताकि मार्केट सही चलें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस्लाम सेट्स ग्रेट स्टोर बाय ट्रेड, इस्लाम ये चाहता है कि ट्रेड अच्छी चलती रहे, और ट्रेड उसी वक्त अच्छी चलेगी जब लोग सही क्वालिटी और सही क्वांटिटी में माल देंगे जो वो क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, ये भी नहीं है कि आपने सुपर क्वालिटी देनी है, नहीं, जो क्वालिटी आप क्लेम कर रहे हैं बस वो दे दें आगे अल्लाह मालिक। ठीक है जी, तो ये एक और चीज है। हर चीज में आप देखें, जितनी भी चीजें अभी तक हमने देखी और आगे भी हम देखेंगे, ये वो चीजें हैं जिससे सोसाइटी के अंदर अनइजीनेस, अगर आप इसको इससे बचेंगे इन चीजों से, तो सोसाइटी के अंदर अनइजीनेस कम होगी, टेंशन कम होगी लोगों को। इस वक्त देखें लोग कितना ज़हनी नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हुए हैं, अक्सर बीमारियां जो हैं वो नेचुरल हैं भी नहीं, वो इंसान के जहन की परेशानियों की पैदावार, हार्ट अटैक कितने हो रहे हैं लोगों को, ये परेशानियों से हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, परेशानी है। ये परेशानियां आसमान से तो नहीं उतरती, इंसान ही पैदा करते ना, आपस के इंटरेक्शन में सोसाइटी ऐसी हो जाती है। उसके बाद एंड में होता क्या है कि वो आदमी जिसको जरा सा मौका मिलता है वो फौरन मुल्क छोड़ के चला जाता है। भाई जाहिर है, जहां पे हर वक्त इंसान परेशान रहेगा, जहां पे हंगामा होगा, जहां पे मेजर सही नहीं होगा, जहां पे जॉब्स में प्रॉब्लम्स होंगी, किसी को वहां कौन रहना चाहेगा? आप पढ़े लिखे आप भाग जाते हैं लोग, फिर कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा। तो भाई तुम अपने हरकतें तो सही करो, तभी तो जाके ब्रेन ड्रेन कम होगा। ठीक है जी, एक और चीज बहुत, ये अगेन दिस इज अगेन, ये कुरान की आयत है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। दो लोगों में लड़ाई हो जाती है, गाड़ी बहुत करीब से गुजार दी किसी ने, मोटरसाइकिल बड़ी करीब से गुजार, अब उनमें दो झगड़ा हो गया दोनों, या गाड़ी टकरा गई। भाई गाड़ी टकरा गई तो टकरा गई, अब क्या मतलब, किसी ने जान के तो नहीं मारा, एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें क्या है, गाड़ियां इंश्योर्ड हैं। जब गाड़ी इंश्योर्ड है तो आपकी गाड़ी को चोट लग गई, आप पिक्चर खींचे उसकी, आप अपने इंश्योरेंस वाले को बुलाएं, वो क्लेम कर लें उसको। तो यहां पे होता क्या है कि नहीं, एक आदत सी पड़ी हुई है कि लड़ना लाजिम है, और यही पाकिस्तानी जो है जब दुबई सऊदी अरब जाता है,
वहां पर भी एक्सीडेंट होते हैं, और वहां पे तो ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि अल्लाह बचाए, लेकिन वहां पे जब एक्सीडेंट होता है तो यही पाकिस्तानी चुप करके खड़ा रहता है, उसको पता है शुरता आएगा, अगर जरा से भी लड़ाई झगड़ा किया किसी ने वो तो उठा के ले जाते हैं। फिर आपकी गाड़ी का मसला बाद में देखा जाएगा, पहले तो आप लड़े कैसे, वो मसला पहले वो ठीक करेंगे। तो भाई वहां श्रोता देख रहा है तो तुम नहीं लड़ते हो, यहां कोई नहीं देख रहा है तो तुम लड़ते हो, तो यहां इस पर भी हुक्म है। और कजी किसी ने आपको बुरा कह दिया तो उसने गलत किया, ये नहीं कह रहे कि उसने सही किया। गुड एंड ईविल कैन नॉट बी इक्वल, समवन हैज डन बैड टू यू दैट्स ईविल, इट्स गुड एंड ईविल आर नॉट इक्वल, बट व्हेन समवन गेट्स इन अ फाइट विद यू रिस्पॉन्ड विद वॉट इज गुड। देखिए मैं आपसे अच्छी बात करूं और आप मुझसे अच्छी बात करें, इसमें कौन सा कमाल है? मैं आपसे बुरी बात करूं फिर आप मुझसे अच्छी बात करें। ये सूरह हामीम सजदा की 34वीं आयत है, इसमें ये हुक्म है कि कोई तुमसे बुरी बात करे तुम अपनी तरफ से अच्छी बात करो, फिर देखो हम उसे तुम्हारा करीबी दोस्त बना देंगे। अगर इस फॉर्मूले पे लोग चलें, लेकिन लोग चलते हैं गैरत के फॉर्मूले पे, ठीक है जी, गैरत में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गुस्सा, जिसको ज्यादा है अच्छा है, ठीक है जी। अल्लाह वो गैरत के उस फॉर्मूले पे चलता ही नहीं है, वो अल्लाह के पास गैरत की डेफिनेशन कुछ और है। हमारे यहां गुस्से को गैरत कहते हैं, गुस्सा हराम है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं। गुड एंड ईविल कैन नॉट बी इक्वल, समवन हैज फॉट विद यू, समवन हैज सेड समथिंग बैड टू यू, दैट्स एब्सोल्युटली ही इज रॉन्ग, उसको गलत, उसको सही नहीं कहा जा रहा है। बट डू टू रॉन्ग्स मेक अ राइट? दे डोंट। सो व्हेन समवन डज ईविल, समवन डज समथिंग रॉन्ग, respond to him in a good manner. Again, यहां पे आप देखिए अल्फाज की अहमियत है। किसी ने आपको गाली दी है, पलट के आपने गाली नहीं देनी है। मैंने गाली या देने पे लोगों को एक दूसरे को कत्ल करते देखा है, मैंने गालियां देने पे लोगों को एक दूसरे को कत्ल करते देखा है, ठीक है, और फखर से कत्ल करते देखा, क्योंकि गैरत कह रही थी कर दो कत्ल, इशू नहीं है, उसने गाली दी है तो कत्ल कर दो आप। और पीछे 10 दोस्त जो होते हैं वो शैतान बन के तालियां बजा रहे होते हैं, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा काम किया, अरे तुमने सिर्फ उसकी सर फाड़ा, जाके दो आंखें भी निकालो उसे, ठीक है। शैतान की जो सबसे पसंदीदा किट है वो यही है, दोस्त बन के हमेशा तशरीफ लाता है, वो कभी दुश्मन बन के आया ही नहीं। हजरत आदम का भी दोस्त ही बन के गया था, और उसका जो फेवरेट जुमला जो वो इंसान के कान में आके कहता है वो ये, तू कितना शरीफ है, तूने उसको सिर्फ एक थप्पड़ मार के छोड़ दिया, तुझसे ज्यादा सीधा तो कोई है ही नहीं, जिसका फेवरेट डायलॉग है। वो चाहता है इंसान जुल्म करे, ज्यादती करे, फसाद हो, वो जमीन पे फसाद चाहता है, गैरत के नाम पे फसाद हो, गुस्से के नाम पे फसाद। लेकिन हम ये फसाद नहीं चाहते, अल्लाह ये फसाद नहीं चाहता। वो कहते हैं अगर किसी ने बुरा किया तो तुम भी बुरा करके क्या कर रहे हो, तुम वो करो जो मैं चाहता हूं, तुम उसको ट्राई टू रिस्पॉन्ड विद व्हाट इज बेस्ट। इफ यू आर इन अ फाइट देन वी विल, मीनिंग यहां पे जो मेन चीज इस सोसाइटी में होगी वो क्या होगी, हर आदमी की कोशिश होगी कि झगड़ा जल्दी खत्म हो जाए। अब आप अगर जापान जाए फॉर एग्जाम्पल, तो जापान के अंदर क्राइम रेट बहुत कम है, बट वहां पे क्राइम रेट कम है फॉर अ रीजन, जैपनीज पीपल आर वेरी एजुकेटेड एंड दे आर वेरी सोशली अलाइव, तो वो कोई आखरत वाखरत को नहीं मानते, लेकिन वो एक बात मानते हैं, वो कहते हैं कि जी अगर हम आपस में लड़ेंगे तो गवर्नमेंट को पुलिस लानी पड़ेगी, और अगर गवर्नमेंट पुलिस लेके आएगी तो पुलिस को मेंटेन करने के लिए वो टैक्स हम ही से लेगी, हमारा ही पैसा जाएगा। तो वो उनकी थिंकिंग पैसा रिलेटेड है, मगर इट इज स्टिल गुड थिंकिंग, नॉट बैड थिंकिंग।
लेकिन मुस्लिम माशरे में ये थिंकिंग और हाई होनी चाहिए। अल्लाह कहता है मैं कह रहा हूं कि रिस्पॉन्ड विद व्हाट इज बेस्ट, और ये जो तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं इनसे कहो अपनी बकवास बंद करें और चले जाएं, ये तुम्हारे दोस्त नहीं है, ये सब शैतान है। ये भी है, वो आयत मैंने निकाली नहीं है, मगर वो भी है कि ये हमेशा दोस्तों की शक्लों में आते हैं शैतान। अच्छा जी, तो ये गुड एंड ईविल इज नॉट इक्वल, रिस्पॉन्ड विद व्हाट इज बेस्ट। गुड डीड्स जो हैं ये जो सोसाइटी होगी इट विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय गुड डीड्स, गुडनेस, पीपल विल बी गुड। अब ये मुस्लिम माशरा है, मुस्लिम एक मुसलमान माशरा है, उसको देखते जाइए आप, कंपेयर करते जाइए कि आप कहां हैं और ये कहां हैं। क्यों होगा? अब उसकी वजह है कि क्यों होगा भाई, मैं सुबह को नमाज के लिए भी उठ रहा हूं 4:30 बजे आजकल नमाज हो रही, मैं गर्मी में रोजे भी रख रहा हूं, मैं हज करने भी जा रहा हूं, ठीक है जी, ये सारे काम मैं कर रहा हूं। आसान हज करना आसान काम है? आप जरा हज पे जो लोग जाते हैं जरा उनसे पूछें, हज आसान है? नहीं जी, बहुत मुश्किल है। तो ये कौन करता है? ये मोमिन करते हैं, ये मुसलमान करते हैं, करते भी करते तो हैं, ये सब आप कर रहे हैं। उसके बाद अल्लाह आपको ये आयत दे रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि तुम क्या समझते हो बुरे काम करने वालों को मैं मोमिनों के साथ खड़ा कर दूंगा। बड़ी क्लियर आयत, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, जो आयतें मोरालिटी से रिलेटेड है उनमें इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप बच्चा भी समझ सकता है। जो लोग बुरे काम करते हैं, अब वो बुरे कामों में आप लगा लें क्या क्या बुरे काम है, सोचते जाएं, झूठ बोलना बुरा काम है, चोरी करना बुरा काम है, रिश्वत लेना बुरा काम है, दूसरों से बुरे बात करना बुरा काम है, चलते जाएं। तो अल्लाह कहता है जो लोग बुरे काम करते हैं वो क्या समझते हैं मैं उनको अच्छे लोगों के साथ खड़ा कर दूंगा, मैं उन्हें मोमिनों के साथ खड़ा करूंगा? नहीं, उनकी जिंदगी और मौत मेरे लिए बराबर है। यानी कि बुरे आदमी की जिंदगी अल्लाह के लिए के सामने मौत है, मौत। तुम मेरे लिए चलते फिरते जनाजे हो, कुछ नहीं हो तुम। ये आयत ये कह रही है, पढ़ते रहो नमाज, मैं तुम्हें मोमिनों के साथ खड़ा नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी नमाज तुम्हें गुनाह से नहीं बचा रही, बुरे काम से नहीं बचा रही, तो तुम्हें जहन्नम की आग से कैसे बचाएगी? तुम नमाज भी पढ़ोगे और मिलावट भी करके बेचोगे, तुम नमाज भी पढ़ोगे कम भी तोलोगे, तुम नमाज भी पढ़ोगे दूसरे पे तंज भी करोगे। ऐसी नमाज से अच्छा सो जाओ। तो अल्लाह कहते हैं मुझे चलते फिरते जनाजों का कुछ नहीं करना, सांस लेते हुए मैयतों का मेरे पास कुछ नहीं है, हटाओ इनको, क्योंकि गंदगी को मैं उन नहीं करता। जी सर, लेकिन माफी तो हर चीज की है ना, जिस वक्त आप माफी मांग ले, जिस वक्त आप माफी मांग ले माफी है, फिर ये सब सेटल हो सकता है ना। हाँ, बस सब सेटल है। और अल्लाह ने ये देखो, ये तो मौलवी लोग कहते हैं कि छोटे गुनाह माफ होते हैं, बड़े माफ नहीं होते, कहीं ये लिखा हुआ ही नहीं है कि बड़े गुनाह माफ नहीं होते, कहीं कहाँ लिखा हुआ है? हर गुनाह माफ सिवाय कत्ल के ना सर, बाकी सब। अरे भाई, पता नहीं क्या 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 चीजें, जो लोग दौरे जाहिलियत में थे उन्हें, वो जो मैं आपको खोल के अगर बताऊं ना कि क्या क्या वो करते थे, तो आप तो हैरान हो जाएंगे। तो बात ये है कि शर्त है उसके अंदर, लेकिन ये बात आप ध्यान में रखें कि उसके अंदर शर्त है। देखिए, एक आपको मैं एक और बताता हूं, एक कॉन्सेप्ट है जो कुरान ने दिया है, वो भी मुस्लिम कॉन्सेप्ट है, वो भी देखिए, जैसे एक चीज होती है अयादत। हाँ, ये मैंने इसमें नहीं डाला, लेकिन अयादत जो होता है ना, अयादत आपको पता है क्या चीज होती है? नो सर। अयादत ये है कि कोई बीमार हो जाए,
आपको पता चला कि कोई बीमार हो गया, ये आपको पता चला मैं बीमार हो गया हूं, आप मुझे देखने के लिए आ गए, ठीक है ना, आप मुझे देखने के लिए आ गए, क्योंकि ये हमारे यहां बहुत है कि अगर कोई बीमार हो जाए उसे उसके उसकी उसको देखने जाओ। अब तो देखें बाहर के मुल्कों में लोग बीमार लोगों को देखने के लिए जाते हैं, फूल लेके जाते हैं, फ्रूट लेके जाते हैं, ये लेके जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ये कि ये हुक्म है कि आप जाएं, बीमार आदमी को जाके देखने का इतना सवाब है आप सोच नहीं सकते। थोड़ी सी आप उसके आपने जाके उसे देख लिया, आपने उसकी थोड़ी सी दिल जो इतना सवाब है आप सोच नहीं सकते कितना सवाब क्या है। अल्लाह सिर्फ ये चाहता है इंसान इंसान को अकेला ना छोड़े, एक दूसरे का ख्याल रखो, ठीक है जी, किसी भी स्टेज पर। सूरह ज़ुमर में अल्लाह कहता है तुमने गुनाह किया है तो क्या परेशानी है, मैं हूं, किस चीज के लिए परेशान हो, तुमसे गुनाह हो गया तो बस आइंदा नहीं करना है, मैं फौरन माफ करता हूं। लेकिन शर्त क्या है, ये नहीं कि तो माफी भी मांगे जाओगे दोबारा भी किए जाओगे। हमारे यहाँ एक जिस तरह अयादत का, अब अयादत का कोई कॉन्सेप्ट किसी मजहब में नहीं है, किसी दूसरे माशरे में, किसी दूसरे सोशल सिस्टम में ये नहीं है, हमारे यहाँ है। इसी तरह हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है हिजरत। हिजरत जो है वो हमारा कैलेंडर की तरह से शुरू होता है, इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट ही होता है हिजरत से, ठीक है जी। तो और हिजरत के बारे में क्या चीज है भाई, हिजरत अगर किसी अगर जैसे पार्टीशन हुआ तो कुछ लोगों हिजरत करने वाला अफजल है, यह बात आपको पता है, हिजरत जिसने हिजरत की इसीलिए तो अल्लाह के नबी को हिजरत कराई गई, अब हिजरत करें, हिजरत करने वाला अफजल है। लेकिन लोग कंफ्यूज करते हैं, हिजरत माइग्रेशन नहीं है, ये गलत हमने ले लिया कि हिजरत जो है वो एक मकान से दूसरे मकान चले गए, एक शहर से दूसरे शहर चले गए, नहीं, जिसकी जिंदगी में पार्टीशन नहीं हुआ, जंग नहीं हुई, जिसने अपना घर नहीं छोड़ा, तो क्या उसने कभी हिजरत की नहीं। हमारे यहां हिजरत का मतलब ये है गुनाह को छोड़ो, नेकी की तरफ आओ, हिजरत हो रही है तुम्हारी, तुम्हारे बिहेवियर में टेंजिबल चेंज मुझे नजर आना चाहिए, मतलब मुझे नहीं, अल्लाह कह रहा है तुम्हें दुनिया में इसीलिए भेजा है, तुम्हें खेलकूद के लिए नहीं भेजा था, तुम्हें इसीलिए भेजा था कि तुम थोड़े अच्छे काम करके हमें दिखा दो। हिजरत का कॉन्सेप्ट ये है असल, बुराई को छोड़ो नेकी की तरफ चलो। और ये भी कुरान से साबित, ये है। इसी तरह से आप मकान छोड़ के, एक शहर छोड़ के दूसरे शहर जा रहे हैं, मगर आपके दिल में लालच है कि वहां जाऊंगा तो अमीर हो जाऊंगा, तो ये तो हिजरत नहीं हुई ना, तो माफ हो जाएंगे आप, ठीक है जी। लेकिन ये करना है ना आपने, ये अब आप करें, ठीक है। जो बुराई को छोड़ देगा ओ बल्ले बल्ले है उसकी। और देखिए इसमें हम तो देखे, मैं आपको रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं सोसाइटी के सोशल। आप सोचे कि अगर एक ऐसी सोसाइटी हो जहां हर आदमी अपने आप को खुद चेक करना शुरू कर दे, यार मैंने आज कितने अच्छे काम किए हैं। एक जमाना था लोग डायरियां लिखते थे, अब तो डायरी लिखने का कॉन्सेप्ट ही खा गया ये फेसबुक और ये सारी चीजें, तो सुबह उठ के व्हाट्सएप, फिर फेसबुक, फिर ये, फिर वो, बच्चे का काम, फुर्सत कहाँ मिलती है, तो किताब ही नहीं पढ़ता, ठीक है जी, और किताब छोड़ो अखबार नहीं पढ़ता, ठीक है। लेकिन पहले होता था, लोग सोने से पहले डायरी लिखते थे,
मैंने आज ये किया, ये उससे मिला, उसने मुझे ये कहा। और बाल डायरियां, मैं आप लोगों ने शायद पढ़ा हो पाकिस्तान स्टडीज में, लॉर्ड वेवल को, लॉर्ड वेवल की डायरी का नाम है द वाइस रॉयज जर्नल, वो छपा है। उसमें जो लैंग्वेज है, उसमें जो जिस तरह से उसने लिखा है, वो कमाल है। वेवल कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन बहरहाल राइटर बहुत जबरदस्त। तो आप क्यों नहीं डायरी मेंटेन करते? एक ऐसी सोसाइटी जहां हर आदमी डायरी मेंटेन करे, आपको किसी से कहने की क्या जरूरत है, मगर डायरी मेंटेन करे, आज मैंने ये गलत किया, कल नहीं करूंगा। भाई दूसरे की गुनाह नजर आते हैं, दूसरे की खराबियां, अपनी भी तो ढूंढो। मैं आज वहां गया, मैंने ये गलत किया, मैं आज वहां गया, मैंने वो गलत किया, मैं आज वहां गया, मैंने वो गलत किया। ठीक है, तो इंसान हो, गलती कर दी तो क्या हुआ है, मसला क्या है? पर कल नहीं करूंगा। फिर आप देखें सोसाइटी में क्या चेंज आता है, ठीक है? फिर आप देखें सोसाइटी में क्या होता है। हम यहां पे, मेरा काम यहां पे, मैं तो आपसे वोट लेने के लिए थोड़ी बैठा हुआ हूं, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं। इसी तरह से अल्लाह भी पॉलिटिशियन नहीं है। उसने जो चीजें आपको दी हैं, मैं कह रहा हूं ना, ये चीजें आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी कि लोगों से अच्छी तरह बात करो। आप किसी से भी कह दें कि लोगों से अच्छी तरह से बात करो, तो भाई तू होता कौन है मुझे कहने वाला? लेकिन अल्लाह कहते हैं नहीं, तुम लोगों से अच्छी तरह बात करोगे, तुम अच्छे काम करोगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पैदा इसी काम के लिए किया है। मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया था कि तुम लूटमार करते फिरो, और ये करोगे तो फिर उसका भुगतान भुगतान होगा उसका। कैरेक्टर में कितना जोर है, कैरेक्टर डेवलपमेंट। जिसका कैरेक्टर नहीं है, उसकी कोई जिंदगी नहीं। आप देखें बाहर के मुल्कों में जाके आप देख लें, सब कुछ है, सारी टेक्नोलॉजी हाथ में है, सब कुछ है, मगर कैरेक्टर क्या है? जहां तक उनको फायदा है, वो झूठ नहीं बोलते, वो बड़े मेहनती लोग होते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। मुझे बड़े अच्छे, वाकई वेस्टर्न लोग बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन पता नहीं शाम को 6 बजे के बाद उन्हें क्या हो जाता है, पता नहीं उन्हें वीकेंड्स पे क्या हो जाता है, पता नहीं रात को 9 बजे वो क्या क्रीचर बन जाते हैं। एक तो भाई वो बीमार शराब पी सकता है, वो पता नहीं रात को 7 शाम को 7 बजे के बाद वहां सब बीमार हो जाते हैं, सबको पीना होता है। क्या फजूल बात है, सुबह वो फिर अच्छे इंसान बन जाते। तो ये हमारे यहां नहीं चलता, ये सब हमारे यहां ड्रामे नहीं चलते। हमारे यहां पाक आदमी की डेफिनेशन ये है, पाक वो है जिसकी तन्हाई पाक है, जो अकेले में पाक है। अच्छा कौन है? जो अकेले में अच्छा है, जब उसे कोई नहीं देख रहा, अब वो अच्छा है, ठीक है जी। अब वो अकेला भी होगा, चोरी नहीं करेगा, अकेला भी होगा, किसी को तंग नहीं करेगा। तो भाई जब वो तंग नहीं करेगा, तो मुझे पुलिस रखने की जरूरत क्या है? जब लोग खुद ही अपने आप को चेक कर रहे हैं, तो पुलिस को किसी को चेक करने की क्या जरूरत? आपने वो देखा था ना दुबई के अंदर, कि वो अब पुलिस लेस कार्स बना रहे हैं, क्योंकि दुबई में तो मैंने देखा है, वहां पे कानून इतना स्ट्रांग है कि लोग अपने आप को खुद ही चेक करते हैं। येलो लाइट होती है, गाड़ी रोक देते हैं। क्यों? आप ये आप रेड लाइट पे गुजरेंगे तो आपके अकाउंट से खुद ब खुद माइनस हो जाएगा। तो तुम्हारे अकाउंट से पैसा माइनस हो जाता है, तो तुम इतने अच्छा बिहेवियर करते हो, तुम्हारे अकाउंट से तुम्हारी नेकियां माइनस हो रही हैं, तुम्हें हमेशा जहन्नम में रहना है, वहां का कुछ नहीं सोचते। तो कमिंग बैक टू दिस, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, कि आपने राइट राइट गलत काम जो है वो उसमें वो है, लेकिन आप किसी भी वक्त उसको जो है ना, वो कहते हैं ना खेल में क्या कहते थे, आप किसी भी वक्त गेम क्विट कर सकते हैं, आप किसी भी वक्त जो है वो तौबा कर सकते हैं, इश्यू नहीं है।
ये नहीं है कि उसकी जो रहमत है उसी से आप डर जाएं, नहीं, कोई नहीं, आपने गलती हो गई, माफी मांग लें, खत्म हो गई बात, आई गई हो गई, आइंदा नहीं करना है, बस मेन चीज उसके अंदर ये आइंदा नहीं करना है। एक आदमी जो है, मैंने ऐसे भी लोग देखे कि वो पहले वहां जाते हैं, फारिस जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, उसके बाद फिर वो उमरा करने चले जाते हैं। इस तरह से तो नहीं होता। आपने इस चीज को जहन में रखना है। इससे अगेन कमिंग बैक, इससे होगा क्या, सोशल कॉस्ट टू सोसाइटी कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर कम हो जाएगा, इजीनेस इन सोसाइटी बढ़ेगी। ठीक है जी। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन इसके अंदर फिर लोग इस पे नहीं सोचते, लेकिन ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, सस्पिशंस। भाई ये इस पर आयत मौजूद है, शक एक दूसरे के ऊपर करना, एक दूसरे की नियत, उसने मुझे आज ड्रिंक ऑफर की, तो इसने मुझे इसलिए ड्रिंक ऑफर की होगी कि ये मुझसे असाइनमेंट में इसको हेल्प चाहिए, वरना इसने आज तक कभी मुझे ड्रिंक ऑफर की थी? भाई हो सकता है उसने इसीलिए ऑफर की हो, लेकिन आप शक नहीं करें उसकी नियत, क्यों किसी की नियत पर शक करते? ये जो शक है इसमें क्या सस्पिशन और सेंस, ये लिखे जाते हैं। ठीक है, पहली चीज, डोंट बी सस्पिशियस। किसी ने कोई आपके साथ अच्छा का वो किया, आप उसकी नियत पर शक नहीं करके कैसे क्यों किया होगा भाई, जब उसे किया होगा फिर देखा जाएगा, जब वो मांगेगा आपसे कोई फेवर मांगेगा देख लेंगे उसको। ठीक है, लेकिन उस वक्त आप उसे नहीं नहीं वो करेंगे। ठीक है, यू कैन टेक अ ब्रेक नाउ टिल 4:30, एंड एट 4:30 देन वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट दिस। एनी क्वेश्चंस दस फार? हनाफ साहब समझ में आ रहे हैं? कायनात ये क्वेश्चन ना पूछें, ये क्वेश्चन नहीं पूछे, सब जो मैंने चीजें अपलोड कर दी हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने अपलोड देख लिया है उसके ऊपर जो असाइनमेंट बनाया था मैंने? बस वो जो है वो आप कर लें, और इसके अंदर ये जो है ये इस आज का जो लेक्चर है ये उसमें इंक्लूड हो जाएगा बाद में। ये हमजा आपको मैं ईमेल कर दूंगा, ये आप इसको कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा ये ठीक है आप सर, आप मुझे ईमेल कर दीजिए। ओके, हमजा अटेंडेंस जो है वो आप ब्रेक के बाद ले लीजिएगा, ब्रेक के बाद फाइनल अटेंडेंस कर लें, और वो ठीक है सर, फिर उसको एंटर कर लेंगे। ठीक ओके है, सर, ओके जी, चलें 4:30 बजे फिर मुलाकात हो। ओके ओके सर।
जी हेलो। हेलो, यस सर। ये आवाज आ रही जी है? सर। यस सर। चलो ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम रुके थे इस पे। तो वंस अगेन आउटकम गुड सोसाइटी वो हमको चाहिए, और उसी के लिए वो तो पहली चीज जो इसके अंदर हमने बात कही थी वो क्या थी कि सस्पिशंस को आप एक तरफ रखें। सस्पिशंस आर नॉट कंसिडर्ड टू बी गुड, एंड इंडीड सम सस्पिशंस आर कंसिडर्ड टू बी सिंस। सेकेंड थिंग, डू नॉट लुक फॉर फॉल्ट्स, बिकॉज उसकी रीजन भी है, बिकॉज इट इज समथिंग दैट यू विल डिसलाइक फॉर अदर्स टू डू टू यू। ठीक है ना, आप दूसरे का फॉल्ट फाइंडिंग कर रहे हैं। अच्छा, उसमें एक चीज ये है कि इंपॉर्टेंट यूजफुल एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, इट इज अ नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इसका सोसाइटी को क्या फायदा है इसमें? मतलब कोई गुड्स बन रहे हैं, कोई सर्विसेज बन रही हैं, कोई साइंटिफिक इनोवेशन हो रहा है, सोसाइटी आगे बढ़ रही है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, तो ये चीजें जिससे मूविंग फॉरवर्ड तरक्की उसमें प्रॉब्लम आती है, तो ऐसी चीजों को डिस्करेज किया जाता है। और यहाँ पे जो दो चीजें आइडेंटिफाई की गई हैं, सस्पिशंस एंड अगेन फॉल्ट फाइंडिंग, जिसके बारे में पहले भी बात हो चुकी थी। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, वो अब मैं कह रहा हूं ना, थीम वो खत्म नहीं हो रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस स्ट्रेस करने के लिए बार बार ये चीजें रिपीट हो रही हैं। सो यहां पे डेफिनेशन दी गई है स्लेव और फ्री मैन। अब जाहिर है आजकल के जमाने में तो लोगों को मुश्किल होती है समझने में कि स्लेवरी क्या चीज थी। जिस जमाने में स्लेवरी थी, अब तो स्लेव्स नहीं होते, लेकिन ये कि फिर भी एक आप वो कर सकते हैं कि स्लेव वाज अ पर्सन हु वाज ओन्ड बाय समबॉडी एल्स। अब यहां पर स्लेव की और फ्री पर्सन की एक तरह से एक्सप्लेनेशन है। क्या कह रहे हैं कि देयर इज अ स्लेव ओन्ड बाय समवन हु हैज नो पावर। So then what is a slave? When he is given a provision, when he is given something. अब ये slave की definition जो यहां पर है, slave वो नहीं है कि जिसके हाथ में जंजीरें बंधी हुई हो, गले में तौक डाला हुआ हो, वो किसी का गुलाम हो, वो जेल में पड़ा हुआ, नहीं। यहां पे slave वो नहीं है, उस आदमी को slave कहा ही नहीं गया। slave की बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन जो सोशल कॉन्टेक्स्ट में, जो जो कुरान के कॉन्टेक्स्ट में जो डेफिनेशन है वो क्या है, उसको आप कोई चीज देते हैं वो रोक लेता है, आगे नहीं देता, बस खत्म, ये स्लेव। यानी वो इंसान जो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम है उसे स्लेव कहा गया है। देर इज अ स्लेव ओन्ड बाय समवन हु हैज नो पावर ओवर एनीथिंग। देर इज अनदर पर्सन, व्हेन ही इज गिवन अ प्रोविजन ही स्पेंड्स इट आउट, वो दूसरे को दे देता है। वो फ्री है, वो स्लेव है, जिसका हाथ बंधा हुआ। अब ये हाथ बंधे हुए का स्लेव का हाथ बंधा हुआ होता है, अब इसका हाथ बंधा हुआ है, ये किसी को कुछ नहीं देता। दूसरा जो है उसको जब हम देते हैं तो वो आगे देता रहता है। क्या उसकी मतलब, तो आप खुद सोचें, सुबह को आप डिफेंस में या कहीं पे किसी भी मोहल्ले में आजकल तो सुबह को निकले जरा और देखें कि कितने लोग जो है वो सड़कों पे बैठे हुए हैं नाश्ते करने के इंतजार में। क्यों? क्योंकि जो लोग घरों में नाश्ता कर रहे हैं वो अपना नाश्ता किसी के साथ शेयर कर ही नहीं रहे। अच्छा, वो शेयर नहीं कर रहे, उनको एहसास भी नहीं हो रहा कि उनको शेयर करना चाहिए। अगर मैं जाके उनसे कहूं कि आप अपना नाश्ता दूसरे के साथ शेयर करें,
तो वो हैरत से मेरी तरफ देखेंगे, उन्हें हैरत होगी उन्हें सबसे पहले कि मैं पागल हूं, ये तो हमारा नाश्ता है, हमने बड़ी मेहनत से इसको कमाया है। ठीक है जी। और जितनी हैरत से वो मेरी तरफ देख रहे हैं, वो नाश्ता करने वाले जो दूसरों को अपना नाश्ता नहीं दे रहे, उनसे अगर मैं जाके कहूं अपना नाश्ता जो है दूसरे को दे दो, तो वो मेरी तरफ हैरत से देखेंगे। जितनी हैरत से वो मेरी तरफ देख रहे हैं, उतनी हैरत से अल्लाह की तरफ देख रहा है। इस आयत में हैरत है भाई, क्या मसला है, तुम अपना खाना दूसरे को क्यों नहीं दे रहे हो, मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हमने तो सबको एक तरह से खाना नहीं दिया है, किसी को ज्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, क्या मुसीबत है उन लोगों को जिनको ज्यादा दिया है वो दूसरों को क्यों नहीं दे रहे, वो क्या समझ रहे हैं कि दूसरे उनके इक्वल हो जाएंगे, इस चीज से डर रहे हो, मतलब आप समझ रहे हैं ये चीज। इस्लामिक सोसाइटी के अंदर अगर एक आदमी चिकन पीस खा रहा है तो सब खाएंगे, क्योंकि जिनके पास है वो अपना खाना अपना रिस्क सब में बांटेंगे, और अगर वो नहीं बांटेंगे तो अल्लाह हैरान हो रहा है, क्यों नहीं बांट रहे भाई, क्या मसला हो गया, प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें नहीं पता कि तुम नहीं बांटोगे तो मैं तुम्हारा भी रिस्क छीन लूंगा, मुख्तलिफ तरीके हैं ना, वो ऐसे थोड़ी रिस्क छीनता है कि वो डाकू भेज देगा वो आपसे, नहीं, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ने का क्या मतलब है, अब किसी को नहीं मिलेगा, आउट ऑफ कंट्रोल गैलोपिंग इन्फ्लेशन हुआ जा रहा है, और लोग बचा बचा के रखे जा रहे हैं, और इकोनॉमिक्स यही कहती है कि रोकने की वजह से ही इन्फ्लेशन होता है, जब आपके सप्लाई चीज की कम होती है तब इन्फ्लेशन होता है, इकोनॉमिक्स भी वही कह रही है जो ये कह रहा है, जो अल्लाह कह रहा है। तो अल्लाह से बड़ी हैरानगी की, हैरान हो रहा है कि तुम ये जो अपना खाना दूसरे में नहीं दे रहे, अपनी तबाही का इंतजाम खुद से क्यों कर रहे हो, क्या मसला है, तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें कल तबाह कर दूंगा। तो सोशल साइंस भी यही बात कह रही है, आज की सोशल साइंस यही कहती है कि आप जितनी चीजों की शॉर्टेज पैदा करते जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ता चला जाएगा, अब वो लोग जो कल अच्छा खाना अफोर्ड कर पा रहे थे वो नहीं कर पाएंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, पराठा जो था वो जब 5 रुपए से 6 रुपया हुआ था तो कितने लोग थे 5 रुपए लेके आते थे पराठा, नहीं जी 1 रुपया बढ़ता था, भूखे जाते थे, अब तो पता नहीं पराठा कितने का हो गया, अब खैर उसको तो पराठा कहना भी, पराठे को गाली देना पता नहीं क्या चीज होती है, वही चीज है ना कि वो जिस तेल में वो पक रहा है उसे तेल नहीं कह सकते, अब तो जहर है, सब जहर है, वो जहर खाने के लिए भी लोग लाइन में लगे हुए हैं और उनको मिल नहीं रहा, क्या दे रहे हो लोगों को खाने के नाम पे, क्या खिला रहे हो, तो ये इस्लामिक सोसाइटी का या इस्लामिक इस्लाम जो सोशल ऑर्डर को बनाना चाहता है ये वो नहीं है, ये उसकी निशानी है। देखिए हर चीज निशान इंडिकेटर, हम इंडिकेटर से खेलते हैं, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको पकड़ के जो है दरवाजे पे बैंक के वो टेस्ट नहीं करते, कोरोना का टेस्ट करो जी इसका, नहीं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक थर्मामीटर लगा लेते हैं, वो थर्मामीटर इंडिकेटर है कि अंदर कितनी गड़बड़, ये जो बाहर लोग खाने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं ये इंडिकेटर है कि अंदर कितनी गड़बड़ हो रही है, फिजिकल गड़बड़ है, बुरी क्वांटिटी में खाना बन रहा है, खराब लोगों के दिल छोटे हैं, सब नजर आ रहा है, ये इंडिकेटर है, इसे सब पता चल रहा है, क्यों नहीं सुबह उठते, क्यों नहीं जाके लोगों को दे के आते, ये तो फिर जब नहीं हो, अब आप अमेरिकन को देखें, आपने बुरा कहीं अच्छा कहीं, ये अभी जब 2008-2009 में जो क्राइसिस आया था, जिस लोगों के घर चले गए थे, चला गया था, जो वहां पे पैसे वाले लोग थे उन्होंने
यूरोप और अमेरिका में ये फ्री फूड का बड़ा है सिलसिला, वो जब देखते हैं कि गुर्बत आ रही है वो फ्री फूड देना शुरू कर देते हैं। और अपनी कम्युनिटी, वहां का सेंस ऑफ कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, कम्युनिटीज को उन्होंने बिल्ड किया, उन्होंने वो देने एक दूसरे का, वो यहाँ पे है ही नहीं, पे सोच ही नहीं है कि ऐसे ऐसे थोड़ी होता। एक बच्चा सड़क पे था, उसको उसने पैसे मांगे मेरी बीवी से, मेरी वाइफ से। मैंने कहा जी मेरे पास उसको नहीं थे पैसे, कहा लेकिन बेटा मेरे पास एक सौदे में अंडे रखे हुए हैं, एक अंडा मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये तुम गर्म करके खा लेना। वो अंडा लेके अंडे को ऐसे देख रहा है जैसे पता नहीं क्या चीज है। और वाकई कुछ दिनों बाद सब देखेंगे अंडे को इसी तरह से, ये मैं वादा कर रहा हूं आपसे। कयामत नहीं है कि 100 रुपए के अंदर जो है 6 अंडे आ रहे हैं। जिस अंडे को अंडा कहना, अंडे को गाली देना है। मुझसे एक अंग्रेज ने कहा था, मैं जब ब्रिटिश उसमें था उसमें, तो एक अंग्रेज ने मुझसे कहा था, प्लीज टेल मी वन थिंग, हाउ डू यू मैनेज टू गेट द वर्स्ट एग्स इन द यूनिवर्स इन पाकिस्तान? जितने खराब अंडे आपके यहां होते हैं तो कायनात में नहीं है, दुनिया को तो छोड़ दें आप। वो अंडा जिसको अंडा कहना, अंडे को गाली देना है, वो 100 रुपए में 6 आ रहा है, एंड इट्स गोइंग अप। चिकन का रेट किधर है? जिस तरह आप नहीं देते उस तरह सेल करने वाला जो है वो भी नहीं दे रहा, वो भी रोक के रखे हुआ है। क्योंकि इंडिविजुअल ही इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं होती, सब आप जैसे हैं। ठीक है जी, क्या बात है, अल्लाह कह रहा क्या बात, मुसीबत क्या है इन लोगों को, क्यों नहीं देते? हमने वादा नहीं इनसे किया हुआ है कि नहीं देंगे तो इनका भी हशर बना देंगे हम। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो लोग बताते नहीं है। अब ये पता नहीं, ये हमारे आय फॉरेन आय का चला हुआ है कि आय फॉरेन आय, आय फॉरेन आय, आय फॉरेन आय कुरान में लिखा हुआ है, लेकिन अल्लाह ने कहा है कि ये वो कानून है जो हमने बनी इसराइल को दिया था, आय फॉरेन आय नहीं बदलता। ठीक है, अल्लाह का कानून नहीं बदलता, लेकिन हमें हर आदमी इसी पे बात करे, आय फॉरेन आय, सजा दे दो, ये कर दो, वो कर, अरे किसने कहा? अल्लाह ने हमेशा कहा है बेहतर बेहतर यह है कि माफ कर दो। तुम्हारे दिल ऐसे सख्त हैं, यहां पे हुक्म, यहां पे क्या हुक्म आ रहा है? बी डिवोटेड। और देखो एक चीज का ख्याल रखो, किसी की नफरत तुम्हें उससे जुल्म करने पे आमादा नहीं कर दे। नेवर लेट द हेट्रेड ऑफ समवन मेक यू क्रूअल टूवर्ड्स दैट पर्सन। ये आयत है, ये हुक्म है, ये कोई फलसफा नहीं है, ये वो नहीं है। इंसान की जब किसी से कोई लड़ाई होती है तो अकलमंदी का तकाजा उनका क्या होता है, इंसान साहब का, वो अकलमंद किसको कहलाते हैं? हाँ अभी बर्दाश्त कर गया, कल तुम्हारी जरा फाइल फंसे मेरे साथ, फिर मैं देखता हूं तुम्हें, तो मैं लोहे के चने चबवाऊं। इंतजार करता बैठा रहता दिल में लेके, नफरत हो गई किसी से तो हो गई, कोई मसला नहीं, नफरत कोई नफरत बुरी चीज है, लेकिन ये क्या अननेचुरल थोड़ी है, अल्लाह का बनाया हुआ जज्बा है। जैसे मोहब्बत हो जाती है नफरत भी हो जाती है, नफरत गुनाह नहीं है, लेकिन जिससे नफरत है उस पर आप जुल्म नहीं कर सकते, जुल्म तो के तो आप करीब भी नहीं जा सकते। अल्लाह सब देख रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। इंसानों में माफ करने की एबिलिटी खत्म ही हो गई है, और यहां मैं सिर्फ इस कौम की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरी दुनिया में हो गया है। इंसान माफी को कमजोरी समझने लगा, बेवकूफी समझने लगा। नहीं, कभी भी अपने दुश्मन पर जुल्म नहीं करना है। तीन चीजें रसूल खुदा ने कही हैं, जिससे नफरत हो उस पर जुल्म ना करो, जिससे मोहब्बत हो उसके लिए खुदा को नाराज नहीं करो, और हर हाल में सब्र करते रहो। ये देखे ना, ये गोल्डन फॉर्मूला है। अब ये इसके बाद आपको किसी सोशल थ्योरी की जरूरत ही नहीं।
जिससे नफरत है उस पर जुल्म नहीं, जिससे मोहब्बत है उसके लिए अल्लाह को नाराज नहीं करो। सब कुछ आ गया इसके अंदर, गोल्डन सोसाइटी बनेगी आप। ठीक है, सबसे ज्यादा जिस चीज पे जोर है वो किस किस चीज पर है? ये कुरान की सबसे तवील आयत है, सबसे लंबी आयत ये है, सूरह बकरा की आयत 282 है ये। इसके अंदर कहीं पर भी न किसी इबादत का जिक्र है, न रोजे का जिक्र है, ना नमाज का जिक्र, किसी चीज का जिक्र नहीं है, किसी अकीदे का भी जिक्र नहीं। ये पूरी की पूरी आयत आपको ये बता रही है कि अगर आपको कर्ज पे सामान खरीदना पड़ जाए तो उसका अकाउंट किस तरह से मेंटेन करना है, बस। यानी कि जिधर पैसे का मसला आता है वहां इतने डिटेल में डिस्कशन होता है, एक एक चीज। फला मर जाए तो ये करो, हाँ मौत करीब आ रही है, चलो शाबाश अपना सामान तकसीम करो बच्चों में, जल्दी करो, ये भी हुक्म है, बेहोश नहीं हो ना मौत को देख के, होश में रहो, सामान अपना सारा वो करो एक जगह तकसीम करो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद बच्चे आपस में पैसे पे ना लड़ते फिरें। क्या क्या हो रहा है आप जाके जरा कोर्टों में देखें, क्या क्या हो रहा है, वो देते ही नहीं, बाप रख के मर गए सारा, अब वो झगड़े कोर्टों में चल रहे हैं, मजे आ रहे हैं मीडिया वालों के, मजे आ रहे हैं इनके भी, वकीलों के भी, सबके मजे आ रहे हैं। तो भाई वो कहता है अगर एक जरा सी चीज भी तुम कर्ज पे ले रहे हो, एक किताब भी तुमने कर्ज पे ले ली, एक पर्स तुमने कर्ज पे ले लिया, एक जूता तुमने कर्ज पे उठा लिया, पूरी याद खड़ी हुई है, क्या करना है, लिखो उसको, दोस्ती यारी नहीं चलती, हुक्म है लिखो, विटनेस लाओ, चीज को उसके लेने के तरीके हैं, विटनेस लाओ, दो मर्द लाओ या एक मर्द दो औरतें लाओ, उस पर अपना साइन करो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करो, क्योंकि सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं पैसे पे, और सबसे ज्यादा इंसान के लिए नीच बात है कि वो पैसे के लिए लड़े। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान की जरूरत होती हैं, उनका जिक्र करना अच्छा होता है, पढ़ाई आपकी जरूरत है, जिक्र करें एक दूसरे से, पढ़ाई की बातें करें, अच्छा लगता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान की जरूरत होती हैं, उनका जिक्र होना ही नहीं चाहिए, हालांकि वो बहुत जरूरी होती है। तो उनका तरीका यह होता है कि जब उस चीज का वक्त आता है तो वो नीड चुपचाप पूरी कर दी जाती है, बताया भी नहीं जाता, चलो तुम्हारी ये नीड है पूरी कर दो। उसी में से एक चीज है पैसा। महीना खत्म हो गया, तनख्वाह आनी है, तो क्या करता है, ऑफिस के अंदर तनख्वाह पे डिस्कशन होता है? नहीं, तनख्वाह चुपचाप अकाउंट में आ जाती है, बहुत जरूरी चीज है, मगर डिस्कशन पैसे का डिस्कशन बेहया ही है, ये बेहया लोग करते हैं पैसे का डिस्कशन। कुछ चीजें होती हैं जिन पर डिस्कशन बेहयाई है, उनका डिस्कशन होता नहीं, हालांकि वो इंपॉर्टेंट होती है। कुछ चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, उनका डिस्कशन अच्छा है, करो। तो पैसे, इसकी पैसे की बहुत ज्यादा डिटेल में उसको किया गया, पैसा जो है वो किस तरह से, आपने पैसे की डीलिंग किस तरह से करनी है, अकाउंट्स बनाइए, ये करिए, वो करिए, विटनेस रखिए, कल झगड़ा ना हो यार, पैसे पे झगड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसे के झगड़े बड़े खतरनाक, बड़े दूर तक जाते हैं। ठीक है जी, फिर एक और चीज, अगेन ये भी एक सोशल साइड है, फैमिली। अब ये फैमिली से रिलेटेड है, अभी तक जो हम देख रहे थे वो इकोनॉमिक साइड से रिलेटेड है, इसको अब लिंक करते जाए इंस्टीट्यूशंस के साथ, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से जो चीजें रिलेटेड थी वो हमने देखी, अब आप ये देखें फैमिली से जो चीजें रिलेटेड है, क्या है? औरत के साथ, बीवी के साथ आपने रहना है। अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं, दोनों सिचुएशंस को अकाउंट में लिया है, दो सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन बड़ी अच्छी है जी, के बीवी है, मियां है, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है जी,
दूसरी सिचुएशन ये है कि शादी तो हो गई लेकिन अब इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों के, तो उसके अंदर भी उस सिचुएशन को भी अकाउंट में लिए कि ठीक है बहुत समय अंडरस्टैंडिंग होती है बहुत समय नहीं होती है, फिर भी इवन इफ देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग तो क्या हुक्म है, लिव विद देम इन काइंडनेस, फिर भी काइंडनेस एक दूसरे के साथ नहीं छोड़िए, वही बातें जो है एक दूसरे पे जुमले कसना तंस करना लड़ना झगड़ नहीं, नो तुम्हें नहीं पसंद है तो वो इंसान, लिव विद हर इन काइंडनेस, तुम उसके साथ अच्छे से गुजारा करो, क्या पता अल्लाह इस नफरत को मोहब्बत से तब्दील कर दे, परहैप्स यू डिसलाइक अ थिंग एंड अल्लाह मेक्स देयर इन मच गुड, वो उसको अच्छा कर देगा, आहिस्ता आहिस्ता उसी में बेहतरी आ जाए, और बहुत से उसमें आ जाती है, शुरू में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती बात में हो जाती है, मगर ये थोड़ी है कि ये एक चीज मिसअंडरस्टैंडिंग है और आप पहले दिन ही जो है ये तलाक लो और ये करो वो करो, जो हो रहा है जो आजकल हो रहा है मैं देख रहा हूँ ये तो बड़ा तलाक आम हो गई है हमारे यहाँ, ठीक है, होता क्या है कि शादी से पहले किसी को किसी में कोई बुराई नजर ही नहीं आती और शादी के बाद फिर किसी किसी में अच्छाई नजर नहीं आती, होना उलट चाहिए, शादी से पहले बुराई ढूंढो और शादी के बाद बुराई छुपाओ, एक दूसरे की बुराइयां छुपाओ, कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन कॉम्प्रोमाइज का जज्बा खत्म हो गया क्योंकि अब तो मैं है हर किसी के अंदर, ठीक है ना, मर्द के अंदर भी मैं है औरत के अंदर भी मैं, नतीजा क्या है कि फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन जो है वो कमजोर होता जा रहा है, और उनके यहाँ अच्छा देखिए उनके यहाँ नुकसान फिर भी कम हो रहा है, उनके यहाँ इसलिए नुकसान कम है क्योंकि उनके यहाँ तो कोहैबिटेशन का ऑप्शन है, वो फिर भी साथ रह लेते हैं क्योंकि उनके यहाँ मसला नहीं है, हमारे यहाँ तो कोहैबिटेट भी नहीं कर सकते, एक दफा तलाक हो गई अब क्या होगा, जब तक दूसरी शादी नहीं होगी कोहैबिटेट भी नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकता और होना चाहिए भी नहीं, तो इसलिए फैमिली को एज एन इंस्टीट्यूशन प्रिजर्व करने की कोशिश आपने करनी चाहिए। दूसरी एक सिचुएशन ये हो सकती है कि जी आपने शादी थी उसके बाद क्या हुआ कि जी दोनों में अच्छे ताल्लुकात नहीं थे लेकिन बाद में दोनों ने साथ रहा ताल्लुकात बेहतर हो गए। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आप साथ रहे कोशिश की कि हालात बेहतर हो जाएं लेकिन नहीं हुए, ठीक है लेकिन नहीं हुए, अब क्या होगा, अब मामला जो है वो तलाक तक आ गया, तो तलाक को पसंद नहीं किया गया लेकिन तलाक की अगर तलाक तक मामला पहुंच जाता है तो तलाक करने के भी उसूल हैं, पूरी सूरह तलाक खड़ी हुई, पूरी कुरान में सूरह मौजूद है सूरह तलाक, शादी पे कोई सूरह नहीं लेकिन तलाक पे है, कि अगर तलाक तक मामला पहुंच जाए तो क्या क्या है कि अगर तुम अपनी बीवी को तलाक दे रहे हो तो क्या है, ये नहीं कि उसको उठा के घर से बाहर फेंक दो, उसको घर में रखो और डू नॉट हार्म देम इन एनी वे, तुमने इरादा कर लिया है तलाक देने का और तलाक तक मामला पहुंचने वाला है लेकिन डोंट हार्म देम डोंट अप्रेस देम इन एनी वे, एंड इफ शी इज विद चाइल्ड तो जब वो बच्चा उसका पैदा होगा तो उस वक्त वो आप तुम्हारी बीवी नहीं होगी, तुम तलाक दे चुके हो, उस वक्त अगर वो पेमेंट मांगे तुमसे बच्चा पालने तो वो पेमेंट तुम्हें करनी पड़ेगी और वो पेमेंट तुम अपनी मर्जी की नहीं करोगे, उसके मशवरे से करोगे कि उसको कितने चाहिए, इतना डिटेल है, इतनी सख्ती है, ये तो एक आयत है, मैं कह रहा हूं ना पूरी सूरह है, ये एक एक चीज है कि किस तरह से आप तलाक तलाक के मॉरल्स क्या है, मॉरेलिटी क्या है उसकी, इस तरह से तलाक नहीं हो जाती जिस तरह से यहाँ हो रही है, कोई भी इल्जाम उठा के लगा दिया कोई भी वो कर दिया तलाक हो गया, ऐसे ऐसे नहीं होता, किसी भी बात पे तलाक हो गई ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो होगा क्या कि हाल देखे ना क्या है, हमारे यहाँ एक से ज्यादा शादी की इजाजत है लेकिन लोग करते नहीं है, लोग नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, पहली बीवी के खौफ से नहीं करते,
असल चीज ये है कि अगर तुम्हें पता हो कि दूसरी और बीवियों में किस तरह से आपने क्वालिटी मेंटेन करनी है, तो कोई भी नहीं करता, क्योंकि आप नहीं कर सकते, इतना प्रेशर होता है। इसी तरह से तलाक है, तलाक अलाउ तो है, आसान नहीं है। इतनी चीजें उसमें आपने अपनी फॉर्मर वाइफ के लिए करनी होती है कि वो फिर आपके लिए वो चीज इतनी आसान रहती नहीं है। तो मुस्लिम सोसाइटी के अंदर जो एक ऐसी सोसाइटी होगी, उसमें आप देखेंगे फैमिली स्टेबल हो जाएगी, फैमिली बड़ी स्टेबल होगी, क्योंकि औरत को पता है कि उसको तलाक देना इतना आसान है नहीं, उसके वो सिक्योर है। तो फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होगा, और जब फैमिली स्ट्रांग होगी तो सारी सोसाइटी एज अ होल स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। कंक्लूजन इसका ये है कि सारी चीजों के अंदर अपने अंदर वर्चुअस सोसाइटी बनाना, यानी अब आप ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये मुस्लिम थिंकर्स बहुत बाद में लेके आए हैं, लेकिन कुरान के अंदर तो ये कॉन्सेप्ट पहले से ही मौजूद था। उन्होंने कहा था कि जी हम एक वर्चुअस अच्छा सिटी कैसे बना सकते हैं, लेकिन वर्चुअस ट्रांसलेशन गलत है। ये जो लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है वो है हसीन, ब्यूटिफुल, मोहसिनी, यानी ब्यूटीफुल का मतलब ये नहीं है कि शक्ल खूबसूरत, यानी अल्लाह की नजर में कौन से लोग खूबसूरत हैं, तो उनकी तीन निशानियां बताई हैं। पहली चीज, उनके पास हो या ना हो वो फिर भी लोगों को देते हैं, जब होता है तब भी देते हैं, जब नहीं होता तब भी देते हैं। ये हुक्म है अल्लाह का कि जब नहीं है तब भी दो, ताकि कहीं तुम्हें मांगने की आदत ना पड़े। वो हालात चले जाते हैं लेकिन इंसान की आदत बन जाती है, तो ये नहीं हो कि तुम्हें मांगने की आदत पड़ जाए, इसलिए अगर हाथ तंग है तभी दो। पहली चीज, अल्लाह की नजर में हसीन कौन होगा? जो दूसरों को देता रहेगा, हाथ नहीं रोकेगा वो। दूसरा कौन है? जिसे गुस्सा कभी ना आए। ये नहीं कि गुस्सा नहीं आए, गुस्सा तो आएगा, मगर वो गुस्से को दबा जाएगा, पी जाएगा। ये जो सारी बकवास की जाती है कि जी गुस्सा तकिया पे निकाल दो तो कम हो जाता है, तो दरवाजे पे मार दो हाथ तो कम हो जाते हैं, सब फजूल बातें हैं। गुस्सा जितना शो करोगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। गुस्से को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि गुस्से को सप्रेस करो, पियो। और इसकी मुख्तलिफ तरीके बताए गए हैं। इसका एक तरीका यह बताया गया है कि अगर गुस्सा आए तो फौरन अपने घुटने और अपने हाथ जमीन पर टेक दो, अपना पोस्चर तब्दील करो। ये एक पूरा फील्ड है जिसको हम कहते हैं तिब्बे नबवी, उसके अंदर ये सब है। कि जब रसूल से पूछा गया कि मुझे गुस्सा ज्यादा है, तो कह के अपने घुटने और अपने हाथ जो है वो जमीन पर टेक दो। होता क्या है कि उस गुस्से में इंसान के जिस्म में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स बनते हैं, कुछ चार्जेस आते हैं। जब इंसान का हाथ जमीन पे लगता है तो वो चार्जेस जमीन में चले जाते हैं, उसका जिस्म हल्का हो जाता है, उसका गुस्सा कम होता है। तो पहली चीज ये है कि आपने हर हाल में लोगों को देना है। दूसरी चीज ये है कि आपने हर हाल में लोगों अपने गुस्से पे काबू रखना है। तीसरी चीज ये है कि आपने हर हाल में लोगों की गलतियों को माफ करना है। कोई माफी मांगे ना मांगे आपने बदला नहीं लेना। लोग आगे कहते हैं मुझसे, जी सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन बहुत है। किस चीज का फ्रस्ट्रेशन बहुत है? किस चीज का फ्रस्ट्रेशन है? तुमसे अल्लाह फ्रस्ट्रेटेड है, तुम उसके हर काम को उलट किए बैठे हो, तुम्हें किस चीज का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है? फ्रस्ट्रेशन का लफ्ज जो है वो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि आपके अंग्रेजी में नाशुक्री के लिए कोई वर्ड ही नहीं है। वो जो अल्लाह का शुक्र करता है उसकी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन होता ही नहीं। और हमारे यहां यही मुसीबत है, दो चीजें हैं ही नहीं किसी की जिंदगी में, दो चीजें नहीं, ना शुक्र है ना तौबा है, और यही दो चीजें अल्लाह ने मांग दी। मेरा शुक्र करो, मुझसे माफी मांगो, कुछ कोई जरूरत नहीं किया फिर भी मांगो, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये दो चीजें हम में हैं ही नहीं। ये कोरोना मार के सबको चला गया, किसी को मैंने ना शुक्र करते देखा ना तौबा।
जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है लोग आते हैं, वही हरकतें करते हैं, वही हरकतें करते हैं, उससे ज्यादा करते हैं। फिर कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, फिर कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, फिर कहते हैं ये हो रहा है। तो महंगाई ना बढ़े तो क्या हो? मुझसे आगे वो कहते हैं, डॉक्टर आगे कहते हैं, ओ सर जी हमने अपने पढ़ाई पे 14 लाख रुपए खर्च किए। वाह भाई 14 लाख रुपए, तुम 14 लाख रुपए तुम उठा के गरीब को दे दो। अभी तो तुमने कुरान की आयत आप लोगों ने देखी है कि किसी को देने के बाद आप जता नहीं सकते। वो 14 लाख तुमने किसी गरीब को थोड़ी दिए थे, तो अपने ऊपर खर्च किए हैं, उसका बदला तुम गरीब से क्यों ले रहे हो? तुमने अगर 14 लाख में डॉक्टर बने हो, खुदा का शुक्र करो उसने तुम्हें 14 लाख दिए थे डॉक्टर बनने के लिए। तुम बदला ले रहे हो मरीजों से, तुम इंतजार करते हो उनके बीमार होने का ताकि उनसे तुम ज्यादा से ज्यादा पैसा निकलवा सको। और हर आदमी का यही हाल है, हर आदमी समझता है कि अकलमंदी, अकलमंदी नहीं है। अल्लाह कहता है इंसान की हालत देखो, जन्नत बेच के जहन्नम खरीदता है, इसको तो तिजारत करनी तक नहीं आती, इतना जाहिल है। ये इंसान का काम नहीं है। आप अकलमंद जरूर हैं, लेकिन ये इंसानों वाली हरकत नहीं है कि किसी की तकलीफ से फायदा उठा रहे हैं आप। और वैसे भी एक बात याद रखिए, लिख लें इसको, कुछ चीजों के उसूल होते हैं। जिसका दिल नरम हो वो जानवर के गले पे भी छुरी नहीं चला सकता, कसाई नरम दिल का हो ही नहीं सकता। इसी तरह बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको दिल बहुत सख्त करना पड़ेगा। पैसा भी, जो लोग पैसे के पीछे पागलों की तरह भागते हैं उनके भी दिल उतने ही सख्त होते हैं जितने कसाई का होता है। हो सकता है मेरी बातें आपको इम्प्रैक्टिकल लग रही हूं, लेकिन है यही हकीकत। इसकी हालत देखो, जन्नत बेच के जहन्नम खरीद रहा है, इसको तिजारत की तमीज नहीं है। तो ये ऐसी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट हो जिसके अंदर इंसान इंसान का एहसास करे। ये दीन एहसास है, इसमें सोसाइटी में क्या एहसास है एक दूसरे का? ठीक है, एक दूसरे को अकोमोडेट करना है, एक दूसरे को माफ करना है, एक दूसरे को दरगुजर करना है। ये जब तक इंसान नहीं सीखेगा तो उसके हाथ में आप कोई सी भी मशीन दे दें, कुछ भी दे दें, कोई भी वो दे दें, कुछ नहीं होगा। इंसान के हाथ में जितनी टेक्नोलॉजी आई है उतनी दुनिया में जंगें बढ़ी हैं, उतनी कत्लो गारत बढ़ी है, उतनी चोरी चकारी बढ़ी है। उसी दिन मैं आपको बता रहा था कि 41 या 49 इंसानों की जो दौलत है अगर उसे आप तकसीम करें तो 3 बिलियन लोगों की भूख खत्म हो जाएगी। ये चोरी नहीं है, तुमने मैनेजमेंट थ्योरीज बना बना के चोरियां की हैं, दूसरों का हक चुराया है। अल्लाह तो मान ही नहीं रहा कि ये रोटी तुम्हारी है, कहते दो, तुम कहते हो मेरी है, नहीं वो नहीं मानता कि तुम्हारी है, वो तो हैरत एक कर करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम देते क्यों नहीं। तो ये एक, क्योंकि हमें यूरोपियन और क्लासिकल सोशियोलॉजी से थ्योरीज बहुत अच्छी मिली हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने हमें सिखाई हैं, लेकिन जो उनका मेन इशू है वो यही है कि वो कंक्लूजन हमें नहीं देते। तो कुछ कंक्लूजन हमने आज देखे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कोर्स है इससे आप लोगों ने कुछ सीखा होगा थोड़ा बहुत। मैंने कोशिश की जिस हद तक मेरे लिए पॉसिबल था, और इट वॉज वेरी नाइस टीचिंग यू, इट वॉज वेरी गुड एक्सपीरियंस टीचिंग यू। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई टॉट बैचलर्स, इससे पहले मैं सिर्फ मास्टर्स को पढ़ाता रहा हूँ। तो इट वॉज रियली नाइस, एंड डिस्टर्बेंस बहुत था, यकीनन आप लोगों ने भी फील किया होगा कि बहुत हाइब्रिड क्लासेस मुझसे नहीं होती, मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है क्लास को भी पढ़ाना और फिर इधर देख के भी पढ़ाना, वो इतना मुश्किल हो जाता है कि उसमें अक्सर मसला हो जाता था और मैं फिर पढ़ाते पढ़ाते भी भूल जाता था कि मैं क्या पढ़ा रहा। तो ये चीज़ है, लेकिन आई होप कि आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा, कुछ फ़ायदा आपको हुआ होगा, और इंशाल्लाह
आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जाम एंड फॉर योर फ्यूचर कोर्सेज. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. और थैंक यू सर. हमजा, आपने अटेंडेंस कर ली है? जी सर, मैंने कर ली है. चलें ठीक है. ये अटेंडेंस अपडेट जो है कब करेंगे सर? आप अगर आज फ्री हैं तो आज ही कर लें, वरना आज. अच्छा चलें देख लेते. ठीक है, आप लोग जाइए. थैंक यू वेरी मच. आप लोग जाइए, मैं अटेंड. सर फाइनल का पैटर्न वही रहेगा? नहीं, फाइनल का पैटर्न वो बिल्कुल नहीं है. उसके ऊपर मैं एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बना के जो है ना वो डाल दूंगा. हमजा, हमें काम करते हैं, आप ऐसा करें कि जरा कोऑर्डिनेट कर लें इनसे, सेक्शन बी वालों से, उनकी लास्ट क्लास की अटेंडेंस ले लें. फिर अटेंडेंस हम परसों एंटर कर लेंगे. परसों आप मुझे फोन कर लें या मुझे आपका कब पेपर कब है? सर मेरा कल पेपर है, फिर परसों मेरी ऑफ है. हाँ तो कल ट्यूसडे को कर सकते हैं. ठीक है, ट्यूसडे को कर सकते हैं. ट्यूसडे को फिर आप मुझे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पे कर दें या किसी चीज पे भी. सर ट्यूसडे को किस टाइम पर, शाम के वक्त या दोपहर के वक्त? ट्यूसडे को तकरीबन 4 रात को कर लें. रात को ठीक है सर. ओके ठीक है. ओके, थैंक यू.